हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी इंडिया, आज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, मैं मंजू कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं यूपी एग्जाम चैनल पर। और ये हमारा लक्ष्य यूपी पीएससी 2020, बच्चों ये हमारा लक्ष्य यूपी पीएससी 2020। इसमें आप 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक फॉलो कर सकते हैं हमारे हर सेशन को। जैसे कि 2 बजे आपने देखा बच्चों, मैं मंजू कुमार हिस्ट्री लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूँ। 3 बजे एनसीईआरटी लेकर अनुपमा मैम आती है। 4 बजे ज्योग्राफी अनूप सर लेकर आते हैं। 5 बजे पॉलिटी अजय सर लेकर आते हैं। और 6 बजे इकोनॉमी गोपाल सर लेकर आते हैं। 7 बजे साइंस के साथ आती है रैना मैम। और बच्चों, 2 बजे से लगातार 8 बजे तक हम क्लासेज करते रहते हैं। चलिए बच्चों, ये संकल्प है हमारा कि हम आपको सफलता दिलाएंगे 11 अक्टूबर के एग्जाम में। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए इस सेशन से। सेशन बहुत अद्भुत होने वाला है, क्योंकि हम चल रहे हैं बच्चों एक ऐसे आंदोलन पे जो कि बहुत शानदार और जानदार आंदोलन रहे, सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट बच्चों, जो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसकी बात एक बात। दूसरी बात बच्चों, मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारे गवर्नर जनरल, वायसराय, जो ये सारे हमने पढ़ रहे हैं, हम जो सीरीज में लगभग 55 से 60 गवर्नर जनरल और वायसराय हम लोग देख रहे हैं। अब तो बच्चों लगभग हम लोगों ने सभी वायसराय वाइंड अप कर लिए हैं। लिनलिथगो, वेवल, माउंटबेटन, बच्चों कुछ ही वायसराय ऐसे बचे हैं जो कि रहे हैं, बाकी तो हम लोगों ने कवर कर ही लिए। तो और आनंद यदुवंशी आए हैं, जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा। राधिका साहनी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सुशील यादव, प्रणाम बेटा, प्रणाम सुशील। अंजलि विश्वकर्मा और गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग अंजलि। रीना अंसारी, गुड इवनिंग बेटा। सीमा बालियान आ गई है, गुड इवनिंग बेटा सीमा। और बच्चों अंजलि, सारे बच्चे जो है धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। बच्चों आप जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे बच्चे हमसे जुड़ जाए। चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, यह है लॉर्ड विलिंगटन, और विलिंगटन की चर्चा बच्चों हमें करनी है। लेकिन इनकी चर्चा करने से पहले हम आपको कुछ बातें बताएंगे, क्योंकि लॉर्ड इरविन में भी हम लोगों ने कल कुछ बातें की थी। लॉर्ड इरविन का सेशन हम लोगों ने देखा था कल, बहुत अभूतपूर्व तरीके से हमने इरविन के बारे में बहुत सारी बातें समझ ली थी कि इरविन जो है किस तरीके के वायसराय रहे हैं, किस तरीके के गवर्नर जनरल रहे हैं, और इरविन की स्थिति क्या रही है, इरविन के काल में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, ये हम लोगों ने देख लिया था बच्चों। ठीक है, अब बताइए आवाज़ वगैरह बच्चों क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? वॉइस तो मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर हो रही है वॉइस बिल्कुल, ठीक है। चांदनी कुमारी आई है, मिस्टर सोन आए हैं, चांदनी बेटा गुड इवनिंग, मिस्टर सोन गुड इवनिंग बेटा। प्रिया भारतीय, राधे राधे बेटा। और जुगनू चौधरी, नमस्ते बेटा, नमस्ते। और समरीन राजपूत आई है, गुड इवनिंग समरीन बेटा, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, तो अब जल्दी जल्दी से हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ा देते हैं और समझ लेते हैं। लॉर्ड विलिंगटन को समझने से पहले बच्चों हमें कुछ बातें समझनी होंगी बच्चों। जैसे कि आई एम मंजू कुमार, मेंटर एंड कोच फॉर सीएससी, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ मैं, हिस्ट्री से एक्सपर्ट हूँ एग्जाम प्लानिंग में, और 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बच्चों मैंने टीच किया है, 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया है बच्चों, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है बच्चों। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए बेहद अनिवार्य है। ये सब्सक्रिप्शन आप क्यों ले बच्चों, इस पर बात करेंगे हम कि ये सब्सक्रिप्शन आप क्यों ले। सब्सक्रिप्शन लेने की वजह बच्चों ये है कि आपको एक सिस्टमेटिक कोर्स मिलता है। और बच्चों याद रहे, मेरा कोर्स आ रहा है लगभग 5 से 6 सितंबर में, नया कोर्स बच्चों मेरा लॉन्च हो रहा है, और बहुत शानदार जानदार ये कोर्स होने वाला है इस बार भी। और बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री पर ये कोर्स आने वाला है इस बार भी, और यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो भारी संख्या में आते हैं। यहाँ पर बच्चों लाइव क्लासेज मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, और यहाँ पर टेस्ट सीरीज क्विजेज भी आपको लगातार मिलते रहते हैं, बिल्कुल ऑफलाइन जैसे ही सारी चीज़ें चलती है।
और बहुत अच्छे तरीके से बहुत चीज़ें बताई जाती है। साथ में बच्चों आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ले, उसको इंस्टॉल कर ले। उसको इंस्टॉल करने के बाद बच्चों आप लॉगिन करें, प्लस पर क्लिक करें। प्लस क्लिक करने के बाद बच्चों स्टेट पीएससी आएगा, यूपीपीएससी डालें, यूपीएससी पीएससी पर क्लिक करें और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस, सॉरी पहले आपके सामने गेट सब्सक्रिप्शन आएगा, प्लस गेट सब्सक्रिप्शन। और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद बच्चों आपके सामने आएगा बहुत सारे ऑफर्स। ये ऑफर्स कौन कौन से होंगे बच्चों? ये ऑफ़र होंगे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। लेकिन बच्चों आपको ऑफ़र जो सेलेक्ट करना है वो है 12 मंथ्स का, जो आपके लिए 7,000 रुपये में है, और 24 मंथ्स का बच्चों 8,400 रुपीज में मिलेगा आपको, 8,400 में बच्चों। लेकिन डिस्काउंट के बाद ये 7,000 वाला बच्चों आपको मिल जाएगा मात्र 6,300 रुपये में, और 8,400 वाला आपको मात्र 7,560 रुपये में ही मिल जाएगा। तो 350 रुपीज पर मंथ का बच्चों आता है, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन बेहद ज़रूरी है। 350 रुपीज पर मंथ बच्चों, आप एक अच्छे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मात्र 350 रुपीज पर मंथ ही आपको इसके लिए देना है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। ये मंजू 10 मेरा रेफरल कोड है, ये यूज करें आप लोग मंजू 10, और गेट 10% ऑफ, 10% का ऑफ बच्चों आप लोग प्राप्त करें मंजू 10 यूज करके। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट बच्चों हम लोग समझते हैं। बच्चों हमने कल लॉर्ड इरविन के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से बातें की थी। सुमित मिश्रा आए हैं, नमस्ते बेटा सुमित मिश्रा, हेलो बेटा, हेलो सुमित, और मैं ठीक हूँ बेटा सुमित, आप कैसे हो। चांदनी कुमारी विलिंगडन के बारे में बता रही है, सचिन सरकार आ गई है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सचिन, अब तबीयत कैसी है आपकी, अब फीवर तो नहीं है बेटा। सत्येंद्र वर्मा आए हैं, हाय बेटा सत्येंद्र वर्मा। हर्षित श्रीवास्तव, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। थैंक यू सो मच हर्षित, थैंक यू सो मच। योगेश कुमार आए हैं, गुड इवनिंग योगेश बेटा, और ए टू जेड ज्ञान भी आ गए हैं, गुड इवनिंग बेटा ए टू जेड, और अंजलि संगीता सिंह आई है, गुड इवनिंग बेटा, सचिन सरकार ने ये कोड यूज किया है, और चलिए बच्चों थैंक यू सो मच बच्चों। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी से हम हर्षित श्रीवास्तव, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए अब हम लोग समझते हैं बच्चों, हम लोगों ने कल लॉर्ड इरविन पर चर्चा की थी। लॉर्ड इरविन के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी कि इरविन ने किस तरीके से कार्य किए हैं। जैसे कि बच्चों 3 अप्रैल 1926 को लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। भारत की राजनीति के लिए ये सबसे कठिन दौर था बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कई सारी घटनाएं चल रही थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इम्पोर्टेंट इवेंट्स वर, इस अवधि के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी बच्चों वे बहुत सारी थी। जैसे कि बच्चों विजिट ऑफ साइमन कमीशन, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, ये घटना। नेहरू रिपोर्ट बच्चों, नेहरू रिपोर्ट के बारे में और साइमन कमीशन के बारे में, जिन्ना फॉर्मूले के बारे में हमने आपको कल बताया था। मर्डर ऑफ सैंडर्स के बारे में, भगत सिंह की फांसी की सज़ा, और बच्चों भगत सिंह के द्वारा जो असेंबली में बम थ्रोन किया गया था, बम फेंका गया था बच्चों, उसके बारे में भी हमने बताया था। फाउंडेशन ऑफ एच एस आर ए की स्थापना, डेथ ऑफ लाला लाजपत राय के बारे में हमने कहानी के थ्रू आपको बहुत सारी बातें बताई गई थी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु बच्चों क्यों हुई, और लाला लाजपत राय पर सैंडर्स ने क्यों गोलियां बरसवा दी, सॉरी क्यों लाठियां बरसवाई, और लाठियों के कारण ही कहते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, और 1928 में फरवरी की बात है, और सरदार भगत सिंह ने सैंडर्स को मार करके बच्चों, कहते हैं सैंडर्स को गोली से उड़ा करके इनकी मौत का बदला लिया, और साथ में ये संदेश भी दे दिया बच्चों, साथ में संदेश भी दे दिया कि तुम और तुम्हारी हुकूमत ये सुन ले कान खोलकर कि भारत में भी क्रांतिकारी है, और भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी कोई लोग है। आप कुछ भी चाहोगे और करोगे और बच जाओगे, ऐसा मत सोचना, हम लोग भी कहीं भी जाकर मार सकते हैं। कहते हैं बच्चों ये सख्त संदेश था किसके लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए। सरदार भगत सिंह का ये योगदान था बच्चों, और उन्होंने
अपने माध्यम से बहुत सारी बातें। एग्जीक्यूशन ऑफ सरदार भगत सिंह, बड़े डिटेल से हमने कल इस पर चर्चा की थी कि सरदार भगत सिंह को फांसी, भगत सिंह की फांसी, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में फांसी दी गई। सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट, सविनावज्ञा आंदोलन, बच्चों इसके लिए भी हमने बात की थी कि सविनावज्ञा आंदोलन जो है वो कैसे हुआ, लेकिन आज हम इसको और डिटेल में बताने वाले हैं। गांधी इरविन समझौता बताने वाले हैं, साथ ही पहला गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, दोनों चीज़ें बच्चों हम लोग बताने वाले हैं आपसे। देखिए बच्चों, सबसे पहली बार बात करते हैं बच्चों दांडी मार्च की। दांडी मार्च, दांडी कहाँ है? दांडी मार्च। इसी के बाद सविनावज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तो बच्चों बहुत पहले से सविनावज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि बन चुकी थी। सविनावज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि रची जा चुकी थी बहुत पहले से, और वो कैसे वो समझ लीजिए। कहते हैं लाहौर सेशन के बाद से, जब हमने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर ली कि हम पूर्ण स्वराज अब हमें चाहिए, पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए अब, और यदि आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दोगे, पूर्ण स्वराज हमें नहीं दोगे, तो हम आंदोलन करेंगे। गांधी जी का आंदोलन सविनावज्ञा आंदोलन बच्चों इसी प्रकाश में आया था, लेकिन सविनावज्ञा आंदोलन को भी थोड़ा सा हम ऐसे ही समझेंगे जैसा कि बच्चों हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समझा था या हमने असहयोग आंदोलन को समझा था। अब देखिए दांडी मार्च बच्चों कहते हैं शुरू हुआ था 12 मार्च को 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई। दांडी बच्चों नमक तोड़ो आंदोलन के तहत था। दांडी जाकर के साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा गांधी जी ने कहते हैं 240 मील की यात्रा 24 दिन में पूरी की अपने 78 अनुयायियों के साथ। पहली बात, यात्री कितने थे, अनुयायी कितने थे, 78 अनुयायी। दांडी मार्च शुरू कब हुआ, दांडी यात्रा कब शुरू हुई, 12 मार्च 1930 में, और कब खत्म हुई, 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च समाप्त हुआ बच्चों। 78 अनुयायी, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये जो 78 अनुयायी है बच्चों, 78 अनुयायी के साथ, 78 अनुयायियों के साथ बच्चों दांडी मार्च किया गया था, दांडी की यात्रा की गई थी। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाकर हम लोग समझते हैं। कहते हैं बच्चों ये नमक पर सरकार के द्वारा लगाया गया कर और गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। कहते हैं दांडी में जाकर ये 24 मील की यात्रा गांधी जी ने पूरी की 78 अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ बच्चों, और आपने पुराने वाला जो 1000 का नोट था बच्चों उस पर ये था, अब बहुत सारी जगह मिल जाएगा आपको, गांधी जी के पीछे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, गांधी जी आगे आगे लाठी लेकर चल रहे हैं। गांधी जी बच्चों बहुत ही उत्साही थे, मतलब वो जो ठान लेते थे कि मुझे अब ये करना है वो करके रहते थे, फिर उनको कोई रोकने वाला नहीं था, फिर वो करके रहते थे। फिर कहा जाता है अच्छा ए टू जेड ज्ञान, गांधी इरविन समझौता बेटा अब तक बताया ही नहीं मैंने। गुड इवनिंग मनोज शर्मा बेटा, प्रहलाद राजा गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग मिस्टर सोन, और बिल्कुल बिल्कुल सचिन सरकार ने याद भी कर लिया है। सत्येंद्र योगेश भाई छुपा रुस्तम है अपने बारे में, जल्दी से किसी को कुछ, ओके सत्येंद्र योगेश तो थैंक्स चांदनी। चलिए बच्चों बच्चे जो है विधु शर्मा आई है, गुड इवनिंग बेटा विधु। चलिए बच्चों तो हम 78 अनुयायियों की बात कर रहे थे, गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया। बच्चों गांधी जी के आंदोलन शुरू में देखने पर तो बड़े बचकाने लगते हैं, दांडी में नमक कानून तोड़ा और बच्चों यहीं से बिगुल बजाया सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय विनय के साथ अवज्ञा नहीं मानेंगे आज्ञा आंदोलन।
विनय के साथ तुम्हारे आंदोलनों को नहीं मानेंगे। विनय के साथ नहीं मानेंगे, इसको कहा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहते बच्चों 6 अप्रैल 1930 में यह आंदोलन शुरू हुआ विधिवत तरीके से। नहीं बेटा आज बताएंगे हम, ठीक है, विधिवत रूप से शुरू हुआ। पहली बात है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में ये समझ लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बच्चों हमने कल नहीं बताया था, दांडी मार्च भी कल हमने नहीं बताया था, ठीक है, या आज बताने के लिए कहा था आपको कल, क्योंकि कल पूरी कहानी हमने बताई थी सरदार भगत सिंह की और जो दूसरे लोग थे उनके बारे में। बच्चों जल्दी जल्दी से आप प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को, बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन बहुत कम बच्चों ने लाइक किया है, तो जल्दी जल्दी से आप लाइक करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बच्चों एक घटना मुख्य रूप से ये घटी कि सविनय विनय के साथ नहीं मानेंगे आपकी आज्ञा, विनय के साथ आज्ञा नहीं मानेंगे, और गांधी जी ने बच्चों दांडी से इस आंदोलन का बिगुल बजाया और गांधी जी ने अपनी बात फिर से कही वही जो गांधी जी कहते थे चिरपरिचित अंदाज में। गांधी जी ने कहा हिंसा नहीं होनी चाहिए, यदि आंदोलन में हिंसा होगी तो मैं फिर से वापस ले लूंगा आंदोलन, हिंसा का मेरे आंदोलनों में कोई काम नहीं है, हिंसा का मेरे आंदोलनों में कोई भी काम नहीं है। कहते बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन और इसमें हिंसा कहते हैं बच्चों नहीं हुई। अब की बार इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि हिंसा क्यों नहीं हुई। कहते बच्चों महाराष्ट्र से सरोजिनी नायडू जो नेता रहे बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन के, वो नेता महाराष्ट्र से सरोजिनी नायडू थी बच्चों। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बच्चों, जेएल नेहरू, साथ में ही बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेताओं में और भी कई लोग थे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू, राजसी राजगोपालाचारी बच्चों तमिलनाडु से, रानी गोडिनलियू बच्चों, रानी गोडिनलियू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रानी गोडिनलियू का नाम किस किस ने सुना है यहाँ पे कोई बता सकता है? रानी गोडिनलियू ने भी बच्चों नॉर्थ ईस्ट से आंदोलन को बल दिया। आज बहुत कम लोग आए, बिल्कुल सुशील, आज क्लास में सुबह भी बच्चे बहुत कम थे, पता नहीं क्यों आज क्लास में बच्चे बहुत कम थे, जबकि बच्चे ज़्यादा रहते हैं, 25-30 बच्चे तो हमेशा रहते ही हैं, 30-35-40 तक भी बच्चे हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन आज दिन में भी बच्चों क्लास में बच्चे जो है बहुत काफ़ी कम थे, तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं बच्चे। हमने सुना है सचिन सरकार, बिल्कुल सुशील यादव ने नहीं सुना है, सुशील बेटा प्लस पे पढ़ाया था मैंने, सुना है अंजलि ने सुना है, देखो प्लस पर मैंने नागा आंदोलन पढ़ाया है, नागा मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ाए हैं मैंने, ट्राइबल मूवमेंट्स में प्लस पर जो क्लास हमारे आंदोलनों की चल रही है नागा आंदोलन को पढ़ाया है। नागा आंदोलन में मैंने आपको बताया था कि रानी गोडिनलियू बच्चों जो नागालैंड से मेघालय से जिन्होंने आंदोलन किया, रानी गोडिनलियू मात्र नागा आंदोलन से संबंधित थी और रानी गोडिनलियू ने मात्र 17 वर्ष की उम्र में बच्चों यह आंदोलन किया था, 17 वर्ष की उम्र में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी जी से इतनी ज्यादा प्रभावित थी बच्चों, इतनी ज्यादा प्रभावित थी रानी गोडिनलियू, कहते हैं वो गांधी जी के सिद्धांतों पर आगे बढ़ना चाहती थी। हाँ सचिन पहचान गया, इनको रानी की उपाधि दी गई थी और आजादी के बाद इन्हें छोड़ दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। राइट सचिन बेटा, राइट। 17 साल की उम्र में बच्चों आंदोलन किया। हाँ बेटा हो सकता है सचिन, सुशील आपने क्लास नहीं लिया होगा, नहीं तो फिर आपको याद रहती बेटा, आपके नेटवर्क वगैरह में शायद इशू चल रहा था कुछ बेटा। तो कहा जाता है कि जो ये स्थिति बनी बच्चों, रानी गोडिनलियू जो नॉर्थ ईस्ट से बच्चों एक आंदोलनकारी थी, नॉर्थ ईस्ट से, यदि बात इरविन की चल रही है, बात गांधी इरविन पैक्ट की चल रही है, या बात बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन की चल रही है, तो फिर आप एक बात जान लो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में रानी गोडिनलियू के प्रयास को भी भुलाया नहीं जा सकता, जनजातीय आंदोलन था बच्चों, ने जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी,
और सुभाष चंद्र बोस ने भी रानी की, इतनी ज़्यादा वीर और साहसी थी रानी गोडेलियू कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बड़े स्तर पर गांधी जी के इस आंदोलन को प्रचारित प्रसारित किया था। चलिए बच्चों, अब इसको हम समझ लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे कैसे फैला और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या कहा। गांधी जी ने कहा हिंसा नहीं करनी है, गांधी जी ने कहा हिंसा नहीं करनी है बिल्कुल भी, हिंसा का कोई स्थान नहीं, सविनय अवज्ञा करो, सरकार देगी कहेगी टैक्स दे दो, हम मुस्कुराएंगे और मुस्कुराकर कहेंगे नहीं देंगे, हम मुस्कुराएंगे और मुस्कुराकर कहेंगे नहीं देंगे, तुम हमें पीटोगे हम पीटेंगे, तुम लाठी मारोगे हम खाएंगे, तुम जेल भेजोगे हम जेल जाएंगे, और भरो जेल, तुम कितनी भर सकते हो जेलें। भरो, कितनी जेलें भर सकते हो। रंजीता गोसाई आई है, गुड इवनिंग बेटा रंजीता। जितनी जेल तुम भर सकते हो भरो। और बच्चों कमाल हो गया, कमाल, महाराष्ट्र में धरसना में बच्चों एक ऐसा नजरिया देखने नजारा देखने को मिला जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। धरसना बच्चों, धरसना महाराष्ट्र में, कहते हैं धरसना में 25,000 लोगों को लोहे की मूठ वाली लाठियों के द्वारा ब्रिटिशों के द्वारा पीटा गया बच्चों। लोहे की मूठ वाली लाठियों द्वारा, लोहे की मूठ मतलब लोहा लगा होता है ऊपर, चोट लगती है बच्चों लोहे से काफी, और 25,000 लोगों को पीटा गया। कहते हैं लोग कैसे पीट रहे थे, लोग जाते थे सामने और सर करते थे, लाठियां खाते थे और आगे ले जाते थे दो लोग उठा करके, और देखते थे ले जा करके कि एक आध लाठी खाने के लायक बचा है क्या, तो फिर से घुमा कर ले आते थे, ले भाई एक और मार ले इसको। गांधी जी का दम, ये गांधी जी का दम था बच्चों। आप ये मत सोचना कि गांधी जी ने बच्चों लोगों को पिटवा दिया, ना 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 ना, ये छोटा सोचना हो जाएगा। हाथ नहीं उठाओगे तुम, हिंसा नहीं करोगे, क्योंकि ब्रिटिशों को मिल जाएगा मौका और वो दबा देंगे इस आंदोलन को पूरे तरीके से। 25,000 लोगों को लोहे की मूठ वाली लाठियों से पीटा गया बच्चों। और गांधी जी ने, प्यारे बच्चों, गांधी जी ने बीड़ा उठाया था इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का। कहते हैं बच्चों सविनय नहीं मानेंगे तुम्हारी आज्ञा, और जब भारतीय आज्ञा ही नहीं मानेंगे तो फिर ब्रिटिश करेंगे क्या, फिर ब्रिटिश क्या करेंगे। कहते हैं बच्चों यही तो ब्रिटिश का जलवा था, सॉरी यही तो गांधी जी का जलवा था कि गांधी जी झुकते नहीं थे, गांधी जी झुकाते थे। गांधी जी बच्चों, गांधी जी का आंदोलन सुपर हिट होने लगा। 5 मार्च 1983 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता बच्चों। क्या था गांधी इरविन समझौता में? पहली बात, गांधी जी ने कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर लूंगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दूंगा, गांधी जी ने कहा। पहली बात। दूसरी बात, राजनीतिक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। दूसरा गोलमेज, गोलमेज सम्मेलनों की कहानी भी बच्चों मैं आपको बताऊंगा। गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेंगे हम। गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे कहां पर? ब्रिटेन में बच्चों। गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेंगे हम। और ये जो गोलमेज सम्मेलन हैं, ये बच्चों सेंट पॉल पैलेस
रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे बच्चों, ये गोलमेज सम्मेलन वहाँ चल रहे थे बच्चों ब्रिटेन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं इनको। हाँ बेटा, और ए टू जेड ज्ञान का ये मार्गदर्शन और बच्चों मोटिवेटेड विचार विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। सोचो आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, बिल्कुल बेटा नहीं मिली आज़ादी इतनी आसानी से, आसानी से आज़ादी नहीं मिली हम कह सकते आज, हम बच्चों हम आक्षेप लगा सकते हैं आज, हम आक्षेप लगा सकते हैं, हम गांधी जी पर आक्षेप लगा सकते हैं, हम हो सकता है दूसरे नेताओं पर, सिराज गोपालाचारी पर या दूसरे नेताओं पर, सरोजनी नायडू पर हम आक्षेप लगा सकते हैं, लेकिन आज़ादी वास्तव में आसानी से नहीं मिली बच्चों। चलिए गोलमेज सम्मेलन में हम चले जाएंगे, गांधी जी ने कहा, लेकिन राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दो बच्चों। उस उत्तर को सुन लो जो कल की बात थी, सरदार भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया गांधी जी ने, राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दो। इरविन ने कहा, सुनो जी गांधी जी बात सुन लो पहले मेरी, गांधी जी राजनीतिक बंदियों को निश्चित रूप से रिहा कर देंगे, लेकिन सिर्फ उन्हें जिन पर हत्या के चार्जेज, मर्डर के चार्जेज नहीं हैं उनको रिहा कर देंगे। बात करनी है तो टेबल पर रहे, नहीं तो उठ जाए, बात करे तो टेबल पर बैठे रहे फिर, और नहीं करनी है तो फिर उठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन बंदियों की रिहाई की बात मत करना जिन पर मर्डर के चार्जेज है। क्या करते गांधी जी बच्चों, सरदार भगत सिंह को तो गांधी इरविन पैक्ट ना होता तो भी बच्चों फांसी दी जाती, गांधी जी आगे बढ़ते या फिर पीछे लौट जाते बच्चों, क्या करते, देश को राष्ट्र को आगे बढ़ाना था तो गांधी जी ने बच्चों, कहते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड थे बेटा, संगीता रैमजे मैकडोनाल्ड अभी आएगा बेटा आपके सामने, अभी हमने लिखा हुआ है, स्लाइड्स आएगी बेटा, हम लोगों ने बनाई हुई है, ये तो हम आपको समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। हाँ हर्षित बेटा बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो आप, और गांधी इरविन समझौता बच्चों 5 मार्च 1931 में, सॉरी बच्चों, राजनीतिक बंदियों को रिहा कर देंगे, धरने शांतिपूर्ण धरने देने का हमें अधिकार दिया जाए, और गांधी की बच्चों लगभग सभी मांगे मान ली गई। गांधी ने कहा ठीक है तो फिर गोलमेज सम्मेलन कर लेंगे। गांधी जी का आंदोलन बच्चों सुपर डुपर हिट हो जाया करते थे, क्योंकि लोगों की संख्या करोड़ों होती थी ना बच्चों जुड़ने के लिए, ब्रिटिशों के हाथ पैर फूल जाते थे, उनको समझ में नहीं आता था इस बुड्ढे से कैसे टक्कर ले, अब इसको कैसे समझे, अब गांधी जी को अब कैसे मनाए, क्या करे क्या ना करे, कहते हैं ये बड़ा मुद्दा हो जाता था बच्चों इन लोगों के लिए। तो कहते हैं गांधी इरविन समझौता हुआ बच्चों, और गांधी जी चले लंदन, गांधी जी चले ब्रिटेन बच्चों, कैसे समझते हैं, यह देखिए बच्चों यहां पर क्या हुआ, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, सॉरी बच्चों पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए, दूसरे में गए, मतलब पहला तो 30 में ही हो चुका था ना बच्चों, 1930 में हो चुका था, अक्टूबर नवंबर में 1930 में हो चुका था, और 1931 में तो 5 मार्च का समझौता हुआ बच्चों, ठीक है, प्यार में उनको कह रहे हैं बच्चों हम और क्योंकि बच्चों बहुत कमज़ोर थे ना गांधी जी, हड्डी हड्डी दिखती थी उन्हें, तो वो कहते थे ना डेढ़ हड्डी का ये व्यक्ति, इसने जीना हराम कर दिया, ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिला दी, इसने नींव को मजबूत कर दिया, लाठी के बल पर चलता है, डंडा भी नहीं मारता है, लाठी भी नहीं मारता है, लाठी के सहारे तो चलता है तब तो इससे चला जाता है, और ब्रिटिश सरकार की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रहा है गांधी, इसमें कितना दम होगा बच्चों, मानसिक रूप से कितना दम होगा। चलिए बच्चों,
तो लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता बच्चों इन्हीं के काल में हुआ। पहले गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा हूं। जैसे आपने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात की बच्चों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन मान लो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए बच्चों, इसको समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा बच्चों, आप लोगों को और डिटेल से बता देते हैं, सॉरी बच्चों और डिटेल से बताते हैं। ये है बच्चों, मान लीजिए यह है, देखिए 3 RTC, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस RTC बोलेंगे, तीन गोलमेज सम्मेलन, तीन गोलमेज सम्मेलन हुए बच्चों। पहला हुआ 1930 में, सेकेंड हुआ 1931 एंड थर्ड हुआ 1932। हाँ, तीन गोलमेज सम्मेलन हुए बच्चों, ठीक है। ये तीन गोलमेज सम्मेलन ही बच्चों हमें बहुत गहराई से समझने हैं। देखिए पहला हुआ बच्चों 1930 में, और दो आदमी भारत की तरफ से गए बच्चों मुख्य रूप से, एक तो जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना बच्चों, तो सब जगह चले जाते थे, एक B.R. अंबेडकर बच्चों, ये दो लोग गए। अब देखो बच्चों, कहा जाता है जिन्ना जो है और B.R. अंबेडकर, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले लोग हैं बच्चों। ये तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया, यदि आप ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कहेंगे बच्चों जिन्ना और भीमराव अंबेडकर का नाम आप इसमें लेंगे। जिन्ना और भीमराव अंबेडकर दो लोगों ने बच्चों, कहते हैं तीनों में भाग लिया था बच्चों, ठीक है। सेकंड बच्चों, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए, 1931 में हुआ, और अंबेडकर और ये तो थे ही, लेकिन बच्चों गांधी जी जो है वो अंबेडकर की बातों से वहां पर थोड़े से आहत हो गए। अंबेडकर ने कहा था कि हमें जो लोअर क्लासेस है उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली के अधिकार चाहिए, प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली के अधिकार चाहिए। और प्यारे बच्चों, पृथक निर्वाचन प्रणाली के अधिकार जैसे किस किस को मिल रहे थे बच्चों, मुस्लिमों को, सिखों को, ईसाइयों को, और अब निम्न जाति भी मांग रही है, अब निम्न जाति भी मांग रही है बच्चों। अब निम्न जाति के बाद बचेगा ही क्या बच्चों फिर भारत में, जिसको हम जो है सेपरेट इलेक्टोरेट के अधिकार ना दे। रोमा शर्मा, हेलो बेटा, आपको PDF चाहिए, आप बेटा इस बारे में एक बार टेलीग्राम में बात करो, किसी बच्चे ने जो नोट्स लिखे होंगे तो आप ले सकते हो बेटा। पूना समझौता हर्षित श्रीवास्तव, मैं बताऊंगा बेटा, अभी बात खत्म नहीं हुआ, अभी पिक्चर बाकी है हर्षित, A to Z ज्ञान के प्रश्न का जवाब भी तो है। हाँ, A to Z ज्ञान ने भी तो पूछा था गांधी इरविन समझौता, सॉरी वो तो बता दिया गांधी इरविन समझौता, ठीक है। अब लेकिन बेटा दूसरा गांधी इरविन समझौता भी तो समझ लो,
पृथक निर्वाचन प्रणाली अधिकार मांग रहे थे। जब 1931 में गांधी जी गए बच्चों ब्रिटेन, तो कहते हैं ब्रिटेन जाने के बाद गांधी जी सेंट पॉल पैलेस में, जहां पर यह गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, रैमजे मैकडोनाल्ड ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया था। बच्चों गोलमेज सम्मेलन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि गोलमेज सम्मेलनों में भारतीयों को अधिकार दिया गया था, बराबरी का अधिकार ब्रिटिशों ने पहली बार भारतीयों को दिया। इससे पहले कभी भी ब्रिटिशों ने भारतीयों को समानता का अधिकार नहीं दिया था, बच्चों बराबरी का अधिकार नहीं दिया था। और विंस्टन चर्चिल, जो बच्चों ऑपोजिट पार्टी के थे इंग्लैंड में, विंस्टन चर्चिल ने कहा कितनी बेवकूफ सरकार है रैमजे मैकडोनाल्ड की, कितनी बेवकूफ सरकार है रैमजे मैकडोनाल्ड की, एक अर्धनंगे फकीर को या देशद्रोही फकीर को उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया, वो भी बराबरी का दर्जा देकर। कहते हैं प्यारे बच्चों, देशद्रोही फकीर भी इसी सम्मेलन के दौरान कहा था, किसने, विंस्टन चर्चिल, बच्चों जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, विंस्टन चर्चिल। बात समझ में आई बच्चों? और कहते बच्चों सेंट पॉल पैलेस जो है बच्चों, वहां पर एक इतिहासकार लिखते हैं, एक बच्चों एक व्यक्ति गांधी जी को देख रहे थे, इनका नाम था फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी के बारे में लिखा, फ्रैंक मॉरिस ने लिखा कि गांधी जी एक अर्धनंगे फकीर के रूप में, पहले देशद्रोही फकीर था, अब अर्धनंगा फकीर आ गया। फ्रैंक मॉरिस ने कहा था बच्चों अर्धनंगा फकीर, याद रखना, ये थोड़ी सी बातें थोड़ी सी याद रखने की है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें हो जाती है। पहली बात, देशद्रोही फकीर किसने कहा, पहले तो ये समझ लो, फिर ये समझ लो कि अर्धनंगा फकीर किसने कहा। देशद्रोही फकीर को समझ लो, देशद्रोही फकीर क्या है, देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा बच्चों, किसने कहा, चर्चिल ने कहा, नोट कर लेना बच्चों आप इस बात को। अर्धनंगा फकीर किसने कहा, अर्धनंगा फकीर कहा फ्रैंक मॉरिस ने बच्चों, जो कवरेज कर रहे थे बच्चों इस पूरे सम्मेलन की, जो कवरेज दे रहे थे उन्होंने, फ्रैंक मॉरिस ने कहा। और उन्होंने कहा अर्धनंगा फकीर सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिव्याभा प्रस्तुत कर रहा था। बच्चों बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं सेंट पॉल पैलेस की, और गांधी जी अकेले उसकी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ये पोस्टर एनसीईआरटी में भी दिया गया है बच्चों। गांधी जी की बात नहीं बनी, गांधी जी जो चाहते थे नहीं मिला, पूर्ण स्वराज की तो बात ही नहीं की गई, उल्टा अंबेडकर और बिगड़ गए। अंबेडकर कहने लगे हमको तो पृथक निर्वाचन प्रणाली अधिकार दे दो हमें भी जरा। गांधी जी ने कहा तुम भी ले लो तो फिर बच क्या जाएगा अंबेडकर जी। इसी बात पर बच्चों समस्याएं हो गई, गांधी जी के विचार मिले नहीं रैमजे मैकडोनाल्ड की बातों से और भीमराव अंबेडकर की बातों से, और गांधी जी बच्चों वापस भारत आ गए। गांधी जी ने 1932 में भारत आकर बच्चों दूसरा सेकेंड सिविल डिसोबिडेंस शुरू किया, और बच्चों कहते हैं 90,000 लोगों ने आगे बढ़कर गिरफ्तारियां दे दी, 90 से 1,00,000 लोगों ने, और कहते हैं ये आंदोलन भी गांधी जी का काफ़ी हद तक सक्सेस रहा। लेकिन हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा सक्सेस ये नहीं रहा था, जो पहला पार्ट था वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था बच्चों। कहते हैं गांधी जी ने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के बाद गांधी जी ने बच्चों बिगुल बजाया, जेल भरो आंदोलन चलाया, जो कि काफ़ी सक्सेस रहा। लेकिन यहाँ पर हम तभी बच्चों, लेकिन गांधी जी जब भारत आए
तो भारत में आकर उन्होंने सेंट पॉल पैलेस से जब गांधी जी वापस आए, यानी दूसरे गोल्ड मेज से मिले, तो उन्होंने बच्चों जाकर विलिंगटन से मिलना चाहा, मतलब उस समय विलिंगटन बन चुके थे भारत के वायसराय, तो वे गए और उन्होंने विलिंगटन से मिलना चाहा कि भाई विलिंगटन से मिल लेते हैं, विलिंगटन से बातचीत कर लेते हैं हम लोग। लेकिन बच्चों विलिंगटन ने मिलने से इनकार कर दिया, विलिंगटन ने मिलने से इनकार भी कर दिया बच्चों। गांधी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिले, मैं जवाब दूंगा मुझे कंकड़ मिले हैं और मैं इसका जवाब दूंगा। गांधी जी ने बच्चों दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ब्रिटिशों के हाथ पैर फूल गए, लेकिन बच्चों एक ट्रंप कार्ड खेल दिया किसने, रैमजी मैकडोनाल्ड। उन्होंने कहा मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, निम्न जातियों को सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है, पृथक निर्वाचन प्रणाली दी जाती है। अंबेडकर ने कहा मजा आ गया। गांधी जी ने कहा क्या खाक मजा आ गया अंबेडकर जी, चाहते क्या हो, देश विभाजन चाहते हो क्या, जो मजा आने की बात कर रहे हो। कहते बच्चों 1932 में गांधी जी ने अंबेडकर से कहा लगता है एक बार तुम्हारे खिलाफ भी छुआरे छोड़ने ही पड़ेंगे मुझे, और गांधी जी ने बच्चों छुआरे एक बार फिर से छोड़ दिए। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। पांचवें दिन बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और इन सारे लोगों ने गांधी जी अंबेडकर को कहा कि गांधी जी अनशन पर बैठे हुए आप बात करो। अंबेडकर झुक गए। अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली और गांधी जी ने बच्चों कहते हैं 148 सीट केंद्रीय विधानसभाओं में लोअर कास्ट के लिए बच्चों आरक्षित करवाई और 18% बच्चों केंद्रीय विधान प्रांत विधानमंडल में उनकी सीट रही। बहुत बड़ी बात थी, गांधी जी ने एक हाथ लिया था तो एक हाथ दिया भी तो था, काफ़ी कुछ दिया। तो खैर बच्चों तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बच्चों 1932 में हुआ, इसको भी लगे हाथ समझ लीजिए यहीं पर। इसमें बच्चों कोई नहीं गया, इसमें फिर से बी आर अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना तो जाते ही क्योंकि ये तो फ्री थे। कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन का भी बॉयकॉट किया था। बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था बच्चों, सिर्फ एक बच्चों, और वो था सेकंड। उसके प्रतिनिधि के रूप में कौन पहुंचे थे, उसके प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे थे गांधी जी बच्चों, गांधी जी उसके प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे थे। लॉर्ड विलिंगटन की बात कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा लेट, लेकिन गांधी जी इतने डिटेल में हम लोगों ने समझा इन आंदोलनों को, थोड़ा सा गहराई से बता दिया बच्चों आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत भी ना हो। लॉर्ड विलिंगटन की बात हम कर लेते हैं। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से लेकर 36 तक बच्चों भारत के ब्रिटिश वायसराय रहे। लॉर्ड विलिंगटन के बारे में कुछ बातें करनी है, जैसे कि मैं बता देता हूं आपको। पहली बात बच्चों, भारत की स्थिति इस समय कैसी थी जब वो आए, निश्चित रूप से अनुकूल नहीं थी भारत की जो स्थिति थी। कहते हैं लॉर्ड विलिंगटन सर्व्ड एज वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1931 टू 1936। लॉर्ड विलिंगटन ने वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में 1931 से लेकर 36 तक सेवाएं दी थी। हर्षित श्रीवास्तव पूछ रहे हैं सर अंबेडकर ने सब कुछ सही ही नहीं किया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अंबेडकर ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए बच्चों, उन्होंने मतलब काफ़ी, वो बच्चों एक्चुअली में देखिए
हर व्यक्ति ना बच्चों परिस्थितियों का दास होता है, परिस्थितियों और परिस्थितियां जिम्मेदार होती है। पहली तो बात भीमराव अंबेडकर की अपनी समस्याएं बच्चों, जीवन की व्यक्तिगत समस्याएं, जाति का बहिष्कार बच्चों। पहले जाति का बहिष्कार भी तो बच्चों जमींदार बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत ज़्यादा बहिष्कार करते थे बच्चों जाति का, जमींदार लोग जो हैं। तो लॉर्ड विलिंगडन जो थे बच्चों, कहते हैं भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी कार्य किए बच्चों, ऐसी बात नहीं है। गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा था कि ऐसा कानून जानकार व्यक्ति पूरे भारत में और कोई दूसरा नहीं है जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है बच्चों। उन्होंने कही कही थी ये बात कि जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। चलिए बच्चों, 1931 से लेकर 36 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया किसने, किसने? लॉर्ड विलिंगटन ने। इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूडेड सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बच्चों हमने पढ़ा दिया आपको, वहीं पर एक साथ पढ़ा रहे थे तो सारा बता दिया हमने आपको कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है। इस अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन शामिल है, और ये मैंने आपको समझा दिए बच्चों। तो व्यक्तिगत जीवन भी बच्चों आधारित होता है, और साथ में गांधी जी जब नेहरू ने कहा बच्चों कि गांधी जी ड्राफ्ट किससे बनवाए संविधान का, तो गांधी जी ने कहा पूछने की जरूरत है क्या, अंबेडकर बनाएगा। विचार नहीं मिलते थे दोनों के। पूना सांप्रदायिक पंचाट क्या था मैं बता रहा हूं अभी, देखिए यहां पर रैमजे मैकडोनाल्ड ने बच्चों सांप्रदायिक पुरस्कार यानी पूना पैक्ट यहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको, पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ बच्चों, ये रहा पूना पैक्ट 1932 में, पूना पैक्ट। बिल्कुल बेटा, कास्टिंग बहुत था और बड़े पैमाने पर बच्चों इसे जो है क्या किया गया, बड़े पैमाने पर उन्होंने अत्याचारों का और कहते हैं शोषण का बच्चों सामना किया था। अंबेडकर का जीवन जो है 36 उपाधि प्राप्त किया। अंबेडकर बच्चों बहुत विशिष्ट जो है व्यक्ति थे। खैर सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः संयोजन किया बच्चों इस काल में, कहते हैं इसका पुनः शुरुआत की गई या पुनः संयोजन किया गया। पूना पैक्ट हुआ बच्चों, रैमजे मैकडोनाल्ड ने कार्ड खेल दिया, मैंने कहा कि उसने कार्ड खेल दिया सांप्रदायिक पंचाट, और गांधी जी ने बच्चों गांधी जी ने कहा कर देते हैं फिर एक अनशन तुम्हारे साथ भी, तुम मान ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो बात को, तो एक अनशन तुम्हारे खिलाफ भी सही। भारत सरकार अधिनियम 1935 बच्चों इनके काल में आया। भारत सरकार अधिनियम को थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है कि भारत सरकार अधिनियम क्या था इस काल में आने वाला। कहते बच्चों भारत सरकार जो अधिनियम था 1935 का, उसमें बहुत सारी बातें की गई, लेकिन हम सोच रहे थे भारत सरकार अधिनियम 1935 बच्चों और भारतीय जो है, भारतीय मांग रहे थे बच्चों अपने अधिकार। सीधी सी बात है, उन्हें चाहिए थे अपने अधिकार कि भाई हमारे अधिकार दो आप। और 1935 में बच्चों कहते हैं जो जो सुधार हुए, पहली बार बच्चों आरबीआई की स्थापना आप लोगों ने सुनी होगी। मैरिज तो सचिन सरकार ने बताया, अंबेडकर ने दो मैरिज की थी, कोई बात नहीं बेटा, बहुत लोगों ने दो मैरिज किए, अंबेडकर ने भी कर ली होगी। चलिए बच्चों, नंबर एक, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट, भारत सरकार। अच्छा एक तो बच्चों एससी की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बच्चों, ठीक है। और दूसरा बच्चों आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, आरबीआई की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। लेकिन अभी भी अंतिम अपील इसमें नहीं सुनी जाती थी। अभी भी यदि हम अंतिम अपील की बात करें बच्चों, तो इसमें नहीं सुनी जाती थी अंतिम अपील, ठीक है।
आरबीआई की स्थापना। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स बहुत कम रूप में बच्चों मिले और इसे बेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, संविधान का आधार कहा जाता है बच्चों, इसे संविधान का आधार कहा जाता है इस 1935 के अधिनियम को, क्योंकि 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 250 से ज़्यादा आर्टिकल्स या अनुच्छेद ब्रिटिश सरकार ने अपने आप ही उठा के रख लिए बच्चों, इसमें से 250 अनुच्छेद ऐसे कैसे, सॉरी भारतीयों ने अपने संविधान में ऐसे कैसे उठा के रखे, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 भी आया और 1935 ने बच्चों बहुत सारे अधिकार भारतीयों को दिए। और बच्चों सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, बर्मा को एक अलग देश घोषित कर दिया गया बच्चों, भारत से इसको बिल्कुल अलग कर दिया गया, ये अब से पहले नहीं हुआ था, लेकिन ये पहली बार हो गया कि सेपरेशन ऑफ बर्मा हुआ, यानी कि बर्मा को हटा दिया गया बच्चों, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। चलिए 321 धाराएं, 395 अनुच्छेद थे बच्चों, 321 धाराएं थी सॉरी, इसमें तो हमारे संविधान की बात कह रहा था मैं, और 10 अनुसूची थी बेटा बिल्कुल, और बहुत बड़े, मैंने बताया ना लगभग 250 आर्टिकल्स बच्चों सीधे सीधे उठा के रख लिए थे हमने, ये मतलब है इसका, आप इसको मतलब कम मत समझना, ये बहुत बड़ा एक समझौता है सेपरेशन ऑफ बर्मा। सेपरेशन ऑफ बर्मा बच्चों, ठीक है, ये सारे काम बच्चों इसमें हुए थे। अब बच्चों देखिए, आप तीन चार चीज़ों को, तीन चार घटनाओं को बहुत गहराई से याद रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। जैसे कि पहली घटना थी बच्चों, पहली घटना थी जहाँ से वास्तव में ये दौर स्टार्ट हुआ, वो थी साइमन कमीशन। 1935 की बात जो है सामने यहीं से आने लगी थी कि पहले तो साइमन कमीशन ही 1927 में आया, और साइमन कमीशन से ही आंदोलनों की पृष्ठभूमि तो बनी ही, साथ ही साथ साइमन कमीशन से ये भी स्थिति बनी कि हमने अपने संविधान की मांग की। दूसरा बच्चों, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928 बच्चों, और उसके बाद बच्चों लाहौर सेशन या लाहौर अधिवेशन, ये तीसरी बड़ी घटना थी इस काल की, लाहौर अधिवेशन, जिसमें हमने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कर ली थी कि हमें पूर्ण स्वराज भी मिलना चाहिए, पूर्ण स्वराज भी मिलना चाहिए, ये बात है बच्चों रावी नदी के किनारे जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसकी। हालांकि पूर्ण स्वराज नहीं मिला, ये बात जो है आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मांग तो रखी गई थी, ठीक है, ये घटनाएं हैं। लाहौर अधिवेशन के बाद बच्चों दांडी मार्च सबसे बड़ी घटना है, गांधी भगत सिंह को फांसी बच्चों एक और बड़ी घटना है, भगत सिंह को फांसी, भगत सिंह को फांसी लगी, ये भी इसी के दौरान है। दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों, बिल्कुल बेटा 10% लोगों को अधिकार दिया गया, भगत सिंह को फांसी बच्चों, और ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो बच्चों आज जो है हम लोग यहीं तक समझते हैं, ये थे लॉर्ड इरविन और साथ में विलिंगडन बच्चों, जिनके बारे में हमने गहराई से समझा, और ये सारी घटनाएं बच्चों एक के बाद एक 1935 तक का अधिनियम देखने को आपको मिला इसमें, कि 1935 तक का अधिनियम आया बच्चों, ठीक है, और 1935 का अधिनियम बड़ा महत्वपूर्ण रहा, उसमें क्या क्या स्थितियां रही ये भी हमने आपको बताया। तो बच्चों ये आप लोग जो है ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है आप ज़रूर ले लें, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है बेहद ज़रूरी है। और हाँ, पोल पोल में खेल खेल में हिस्ट्री आना ना भूले, पोल पोल में खेल खेल में हिस्ट्री बच्चों, स्पेशल क्लास है हमारी पोल पोल में खेल खेल में, अकेडमी ऐप पर, अन अकेडमी ऐप पर है बच्चों,
ऐप पर ये क्लास है पोल पोल में खेल खेल में हिस्ट्री, और इससे जुड़ना ना भूले, ये बड़ी शानदार जानदार क्लास है बच्चों, ठीक है। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ले बच्चों, आप उसको इंस्टॉल कर ले, बता रहा हूं, धमका नहीं रहा हूं और उसको इंस्टॉल करके लॉगिन कर ले, प्लस पर क्लिक करे, स्टेट पीएससी में जाए, यूपी पीएससी दबाए, मतलब लिखे डाले, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करे, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करे, बहुत सारे ऑफर आएंगे, एक ऑफर जरूर चुनो, एक साल का या दो साल का जरूर चुनो, ये ऑफर जरूर चुनो, जरूर चुनो, जरूर चुनो। और इस ऑफर को चुनने में मंजू 10 का यूज करो बच्चों, ये अपने सपनों को साकार कीजिए, ये आप करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सारे बच्चों का, आप इस सेशन को इतना औसम आपने बनाया, ओके बच्चों। और भारी संख्या में बच्चे क्लास में आए, यूज माई रेफरल कोड मंजू 10 एंड गेट 10% ऑफ बच्चों, यूज माई रेफरल कोड मंजू 10 एंड गेट 10% ऑफ। और मेरे प्यारे बालको, थैंक यू सो मच, मिलते हैं तो फिर एक घंटे बाद फिर से मिलते हैं बच्चों, ठीक है। जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए आप सेशन को, इसको जबरदस्त तरीके से कीजिए लाइक और शेयर बच्चों।